हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप सब लोग अच्छे होंगे, अच्छे ही रहना चाहिए। मेरा बाबू रो रहा है बहुत ही ज्यादा। हेलो, बोलो किए हैं, प्रसादी दिए हैं और पूजा लड्डू पूजा हुआ कार्तिक। और दोस्तों बताइए, लड्डू बोलो कार्तिक लड्डू। और आज हम आप लोगों को कुछ दिखाने वाले हैं, आज आप लोगों को कुछ बताने जा रहे हैं, बता रही हूँ कि मैं कुछ बताने जा रही थी, एक्चुअली वीडियो रोकना पड़ा। तो मैं ये बता रही थी आप लोगों को कि सुशांत के कार्तिक के पापा ने इसके लिए बाहर से कुछ भेजा है। मुंबई रहते हैं मेरे हस्बैंड, तो उन्होंने बाबू के लिए 2 जैकेट भेजा है और सन पापड़ी और नमकीन बिस्किट सब भेजा है। मैं दिखाती हूँ आप लोगों को, आज यही सब रहेगा ब्लॉग में, ठीक है? तो पूरा एंजॉय करिए, देखिए, आई होप अच्छा लगता होगा आप लोगों को देखने में। मेरा पूरा फुल वीडियो देखते हो आप लोग, बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ मैं आप लोगों का इसके लिए। तो दोस्तों इसी तरीके से हमें प्यार सपोर्ट देते रहिए आप सब लोग, और मैं भी देखती हूँ आप लोगों का वीडियो। बहुत लोग कहते हैं कि हमारा वीडियो नहीं देखते हैं, मैं देखती हूँ आप लोगों का वीडियो। जितना लोग भी मेरा वीडियो देखते हैं, मुझे कमेंट करते हैं, मैं उन सबका वीडियो देखती हूँ, उन सब पे कमेंट। ये दोस्तों मैंने बताया था ना कि दिखा रही हूँ मैं आप लोगों को, तो ये कार्तिक के लिए जैकेट है, ये मुंबई से इसके पापा ने भेजा है। और खाने वाला सामान है, ये सन पापड़ी है, देखिए सुशांत और कार्तिक खाया है सुबह में निकाल के। आज तो हमारा मंगलवार था, फास्टा, तो हम खाए नहीं है आज। और एक पैकेट और है, ये अभी ऐसे ही है, और एक पैकेट ये है और एक पैकेट ये है, बस इतना ही सामान था दोस्तों, क्योंकि दूसरे लोग थे ना इसीलिए। देखा दोस्तों, यही सब आया है बाहर से, एक्चुअली बाहर रहने वाले के लिए हो ही जाता है ये सामान। और था, और बच्चे बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं अगर कुछ आए बाहर से, तो उनके पापा उनके लिए कुछ लेके आए जिनके यहाँ पर रहते हैं, नहीं तो बाहर में रहते तो कुछ भेज दो, तो बच्चे बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। खास करके मेरा सुशांत कार्तिक बहुत ज्यादा खाता है ये सब, खुश हो जाएगा एकदम ही देख के ये सब। तो ठंडी था तो जैकेट वैकेट भेज दिए हैं इनके लिए, तो ठीक है दोस्तों। और अभी तुरंत कार्तिक सोया है, देखिए मच्छरदानी लगा दिए हैं, बहुत मच्छर काटता है इधर, दिन में भी काटते रहता है मच्छर, तो अभी मच्छरदानी लगा दिए। और आज धूप भी नहीं निकला है बाहर दोस्तों, बहुत ज्यादा ठंडा लग रहा है, मैं नहाई तो इतना ठंड लग। गुड इवनिंग दोस्तों, शाम हो गया है और जा रहे हैं दिया जलाने के लिए भगवान के पास। तो चलिए आज हम आपको भगवान का दर्शन भी करवा देते हैं दिया जलाते समय, तो आइए सब लोग आरती करिए मेरे साथ, तैयारी कर लेते हैं पहले, ठीक है? कुछ इस तरीके से हो गया है दोस्तों, कितना अच्छा लग रहा है, इतनी खुश खुश लगते हैं भगवान भी। अगर हम भगवान का सेवा करें तो भगवान खुश हो जाते हैं एकदम से, देखिए एकदम चहकता महकता लग रहा है कि हाँ पूजा पाठ हुआ है, दिया बाती जला हुआ है। मिलते हैं कल के ब्लॉग में, अब तब तक के लिए शुक्रिया, टाटा बाय बाय, लव यू ऑल गाइस, प्लीज इसी तरीके से मुझे सपोर्ट करते रहिए आप लोग। और कैसा लगा